तो गाइस देखो यार, आज लॉस सैंटोस में फुल मून निकला है। और तुम्हें पता है जब फुल मून निकलता है तब क्या होता है? जी हाँ गाइस, लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा खतरनाक वेयरवुल्फ बाहर आ जाते हैं, क्योंकि फुल मून से वेयरवुल्फ्स को पावर मिलती है। और यहाँ पे आज से वेयरवुल्फ्स नहीं, ये देखो उनके पीछे पीछे कौन आया है। यहाँ पे दो सबसे खतरनाक टाइटन गॉड वेयरवुल्फ्स तो आए, पर वो टाइटन गॉड वेयरवुल्फ्स के साथ यहाँ पे टाइटन हल्क गॉड्स भी आ गए। और ये देखो रात में कितना बढ़िया चमक रहे। ए किड़े फ्रैंकलिन, हमारी तारीफ मत कर ज्यादा, तुझे हम फ्री में पावर्स नहीं देंगे। अरे नहीं नहीं, फ्री में पावर्स नहीं चाहिए गाइस। तो देखो आज मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना अमावस की रात है, मतलब फुल मून हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे है ना ये दोनों टाइटन वुल्फ गॉड यहाँ पे बाहर निकल के आए, और उन्होंने है ना यहाँ पे कंपटीशन रखने का डिसाइड किया है। और उसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने है ना बहुत सारे वुल्फ्स को इन्वाइट किया, जो देखो यहाँ पे खड़े। और उसी के साथ साथ मुझे भी यहाँ पे इन्वाइट मिला है, क्योंकि यार मैं सबका चहेता फ्रैंकलिन हूँ यार। इसके लिए मुझे भी इन लोगों ने यहाँ पे बुलाया है एक वुल्फ में अपग्रेड होने के लिए। हाँ फ्रैंकलिन, हम लोग तुझे पसंद करते हैं, इसके लिए तुझे बुलाया है। यहाँ पे तू एक अकेला ह्यूमन है जिसको एक वेयरवुल्फ में अपग्रेड होने का चांस मिलेगा, और सारे प्राइजेस को जीतने का मौका मिलने वाला है। अरे थैंक यू, आई एम ऑनर्ड गाइस। ये देखो यहाँ पे जल्दी से जाके लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। और देखो यार यहाँ पे जो दद्दू वेयरवुल्फ है, ये अब हमको सारे रूल समझेंगे। और बच्चों, तो वेलकम टू टाइटन वुल्फ गॉड्स अपग्रेड कॉम्पिटिशन। यहाँ पे हमने तुम्हें अमावस की रात को बुलाया है, जिससे यार तुम एक स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन वुल्फ में कन्वर्ट हो सको मून की शक्तियों से। हाँ, जब मून है ना फुल मून होता है तब मैं बहुत स्ट्रांग हो जाता हूँ। हाँ मैं भी स्ट्रांग हो जाता हूँ, मुझे भी बहुत मजा आती है गाइस। तो ये देखो ये दोनों है ना वुल्फ गॉड्स है। ये छोटा वाला वुल्फ गॉड थोड़े अच्छे नेचर का है, तुम्हें शक्ल से अच्छा भी दिख रहा होगा। और ये जो बड़ा और ज्यादा स्ट्रांग वाला वुल्फ गॉड है, ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस है। और उसके पीछे तुम सारे टाइटन गॉड्स को तो जानते ही हो, तो ये सब लोग मिलके कॉम्पिटिशन रख रहे। अरे हाँ फ्रैंकलिन, हम सब मिलके कॉम्पिटिशन रख रहे। देखो यहाँ पे हमने बेस्ट वुल्फ और तेरे को फ्रैंकलिन को बुलाया है। अब तुम लोगों के पास 24 घंटे हैं खुद को एक स्ट्रांग वुल्फ में कन्वर्ट करके यहाँ पे वापस आने के लिए। अगर यार तुमने खुद को स्ट्रांगेस्ट वुल्फ में कन्वर्ट कर लिया चारों में से, तो तुम्हें यहाँ पे देखो टाइटन वुल्फ गॉड का आशीर्वाद मिलेगा, टाइटन हल्क गॉड का आशीर्वाद मिलेगा, और उनके साथ साथ बहुत तगड़ी पावर्स भी मिलेगी। और पावर्स के साथ साथ तुम्हें यहाँ पे जितने भी प्राइसेस और रिवॉर्ड्स पड़े वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो 3 लिमोजीन है, बहुत सारा अनगिनत अमाउंट ऑफ सोना है, ये साइड भी 3 लिमोजीन, और बहुत सारे स्पेशल डायमंड्स भी है जो देखो कैसे चमक रहे हैं। अरे हाँ हाँ गाइस, ये चमक तो बहुत तगड़े रहे यार मेरे को जीतने। अरे नहीं, मैं जीतूंगा, मैं हूँ सबसे ज्यादा हैंडसम वुल्फ, लुक एट मी, मैं कितना ज्यादा सुंदर हूँ। मैं सबसे ज्यादा डेंजरस आर्कटिक वुल्फ हूँ, जीतूंगा तो मैं ही। अरे नहीं, जीतूंगा तो मैं, मेरे पास आइस वुल्फ की पावर्स है। अरे तुम लोग लड़ो मत अभी यार, वो तो पता चल जाएगा 24 घंटे में कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अब ये बात समझ लो यार, तुम लोगों में से किसी को भी चीटिंग नहीं करनी है, मतलब पहले से अपग्रेड करा हुआ पावर्स को इस्तेमाल नहीं करना है। अभी ये कॉम्पिटिशन चालू होगा, उसके बाद ही तुम्हें अपग्रेड करने हैं खुद के। कोई पहले से यहाँ पे अपग्रेड होके तो नहीं आया? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, मैं तो एक वुल्फ भी नहीं हूँ अभी। अरे नहीं, मैं पहले से है ना इतना बचपन से हैंडसम पैदा हुआ था, मैं भी यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ। हाँ मैं भी पहले से इतना स्ट्रांग था, मैं भी अपग्रेड नहीं हुआ। अरे मेरे पास भी आइस की पावर बचपन से थी। अरे चलो तो ठीक है, अभी यहाँ पे कॉम्पिटिशन शुरू करते हैं। 24 घंटे है तुम लोगों के पास सबके पास अपग्रेड होने के लिए। तुम सब जन यहाँ पे अपग्रेड होकर रिटर्न आने की कोशिश करो, और फिर यहाँ पे टाइटन वुल्फ गॉड और टाइटन हल्क गॉड डिसाइड करेंगे कि तुम में से सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट अपडेट किसको मिला है। और जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट वुल्फ बनकर आएगा उसको यार ये सारे प्राइजेस और आशीर्वाद दे दिया जाएगा। तो चलो कंपटीशन को शुरू करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, चलो गाइस कंपटीशन को शुरू करते हैं, वूहू लेट्स गो। चलो गाइस यार देखो, मैं यहाँ पे जल्दी से सबसे पहले दौड़ने चालू करता हूँ, क्योंकि यार मैं तो अभी एक वुल्फ भी नहीं हूँ और मेरे को एक वुल्फ भी तो बनना है। ये देखो यहाँ ऊपर टॉप राइट पे मेरा वुल्फ मीटर आ रहा है, वो एकदम खाली है। पर गाइस देखो, मैं तुम्हें एक मस्त बात बताऊँ क्या? देखो मुझे ये गेम के रूल पहले से पता थे, गेम तो नहीं अपग्रेड कॉम्पिटिशन के रूल्स पहले से पता थे कि यार अपने को है ना यहाँ पे कॉम्पिटिशन में से पहले से अपग्रेड होकर नहीं आना है, बाद में आके अपग्रेड होना है। इसके लिए देखो मेरे पास एक ऑलरेडी एक वुल्फ का सूट था, वो मैंने यहाँ पे छुपा के रख दिया था। अरे किधर गया यार वुल्फ का सूट, इधर ही तो रखा था, पता नहीं कहाँ गया, रुको रुको बाजू के साइड देखने दो। तो हाँ गाइस देखो, मेरे पास एक ऑलरेडी एक वुल्फ का सूट था जो मैंने यहाँ पे छुपा दिया है। अब देखो कॉम्पिटिशन में एंट्री तो मैंने कर ली है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, तब मैं यहाँ पे पहला अपग्रेड तो मुझे कितना फटाफट भी मिल जाएगा। ये देखो यार, ये रहा मेरा अपग्रेड, मैंने मेरा फर्स्ट अपग्रेड तो यहाँ पे छुपा के रख दिया है, तो अब ना मुझे कोई भी ये कॉम्पिटिशन जीतने से नहीं रोक पाएगा। चलो मैं जल्दी से ये वुल्फ का सूट पहन लेता हूँ। गाइस देखो यार, मेरी है ना थोड़ी स्मार्टनेस के कारण मुझे मेरा फर्स्ट अपग्रेड तो मिल भी गया। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये वुल्फ कैसा यार, इस तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। नहीं गाइस, ये देखो बहुत ज्यादा बड़ा और एकदम स्ट्रांग वुल्फ है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, अरे आई मीन बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर ये काफी स्ट्रांग है। ये देखो यार इसकी पावर्स कितनी ज्यादा तगड़ी है, एक इतने छोटा वुल्फ होने के बावजूद भी पूरी गाड़ी को हवा में उड़ा के फेंक सकता है। और उसके अलावा भी मेरे पास बहुत ज्यादा खतरनाक शक्ति है, ये देखो मैं कैसे एक निंजा की तरह बहुत तेज दौड़ सकता हूं। और यार ये देखो यार, मैं यहां पे इतने जंप कर सकता हूं, और मेरे नाखून भी बहुत ज्यादा तेज है। तो अब जो मुझे एडवांटेज मिला इसका इस्तेमाल करके मैं जल्दी जल्दी से खुद को अपग्रेड करने
करने के लिए एकदम रेडी हूँ। तो चलो गाइज, मुझे पता है मुझे अपग्रेड होने के लिए कहाँ जाना है, तो चलो चलते हैं गाइज, लेट्स गो। एक सेकंड यार, थोड़ी सी पावर टेस्ट करते हैं आंटी पे। ओ माय गॉड गाइज, ये देखो मेरे नाखून कितने ज्यादा शार्प है, जिनसे मैं घुमा घुमा के आंटी को मार रहा हूँ। ये आंटी तो यार पूरी हो गई। अरे मेरे को क्यों तोड़ा? अरे आंटी, मुझे मेरी पावर चेक करनी थी। चलो गाइज कोई बात नहीं, चलो बहुत बातें हो गई, जल्दी इसे अपग्रेड करने चलते अपने ये वाली वुल्फ को, लेट्स गो। ओके गाइज, तो देखो यार यहाँ पे मैं बहुत देर से दौड़ रहा हूँ यार। यहाँ पे ना मुझे खबर मिली थी कि यहाँ पे कहीं पे तो कोई एक ऐसा स्पेशल है ना क्रेजी अंकल रहते हैं, जिन्होंने अपने घर में यार कोई ऐसी दवाई बनाई है जिसको अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब उन्होंने रिसर्च करके ऐसी दवाई बनाई है कि एक नॉर्मल इंसान को वो वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई वेयरवुल्फ उस दवाई को खाएगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पर मैं पूरी रात से यार उस अंकल को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पे गए हुए। रुको यार, मेरे को खबर मिली थी वो ये वाली लाल बिल्डिंग के आसपास ही कहीं पे उन्होंने अपना अड्डा बना रखा है। मैं एक काम करता हूँ, लाल बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के देखता हूँ यार कहीं पे मुझे कुछ मिल रहा है क्या। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे तो कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा यार। गाइस तुम्हें कोई अंकल दिख रहे क्या जिनके पास कोई लैब का इक्विपमेंट या स्पेशल दवाई वाला इक्विपमेंट दिख रहा हो, जो यहाँ पे ना सीक्रेटली कहीं किसी को कुछ बेचते हुए दिख रहे क्या? जल्दी जल्दी से देखो यार, तुम मुझे देख के बताओ कि कहीं पे दिख रहे क्या। अरे मुझे तो कोई कोई चीज कहीं पे दिख ही नहीं रहा यार, कैसे मैं ढूंढ लूंगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गाइस, तुम्हें दिखा क्या? अरे हाँ मुझे भी दिखा। रुको ये अंकल यहाँ पे क्या कर रहे? रुको 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 रुको, यहाँ पे जाके मुझे देखना पड़ेगा। ओके गाइस, ये देखो मैं यहाँ पे जाके छुप जाता हूँ और यहाँ पे सुनता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा है मेरे पास ये वेयरवुल्फ की सुपर हियरिंग है। अरे यार, यहाँ पे मेरे पास आज कस्टमर आने वाले थे, उसके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे मेरी दवाई लेकर आया उन लोगों को अपग्रेड करने के लिए, पर वो अभी तक यहाँ पे पहुंचे ही नहीं। अरे बॉस चिंता मत करो, उनसे ज्यादा रुपए लेंगे, लेट आए ना तब तो उनसे। अरे हाँ बॉस, ज्यादा रुपए लेना, अपनी जो वेयरवुल्फ बनाने वाली दवाई है वो अपने अलावा पूरे लॉस एंटोस में कोई नहीं बेचता, इतनी ज्यादा यूनिक दवाई है अपनी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, मेरी दवाई के तो मुझे मुंह चाहा दाम मिलेगा। अरे गाइस ये देखो, तुमने बात सुनी क्या? ये वही अंकल है जो वेयरवुल्फ बनाने की दवाई देते यार। पर ये देखो यार, ये इनके कस्टमर कौन आने वाले, कौन ऐसा इंसान है जो लॉस एंटोस में वेयरवुल्फ में अपग्रेड होना चाहता है? और यार इसके कितने पैसे लगते, मेरे पास तो कुछ खास पैसे नहीं है। रुको यार, मैं यहाँ पे थोड़ी देर और छुप के देखता हूँ कि यहाँ पे कितने रुपए और क्या लगता है, सब कुछ पता चल जाएगा अभी मुझे। मैं तो जल्दी से वो जड़ी बूटी खरीद के खुद का अपग्रेड कर लूंगा, मेरे पास तो पूरा दिन खाली बचेगा। जल्दी से बाबा के पास जाता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैं डबल पेमेंट लेकर आया हूँ। अरे अंकल जी, अंकल जी कैसे हो? ये देखो यार, माफ करना थोड़ा आने में लेट हो गया। अरे कितनी लेट कर दी यार तूने आने में। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, इसके लिए देखो डबल पेमेंट लेकर आया था, अपनी एक डायमंड की बात हुई थी, मैं यहाँ पे तीन बड़े बड़े डायमंड लेकर आया। जल्दी से यार मुझे अपनी जड़ी बूटी दे दो, जिससे मैं खतरनाक वेयरवुल्फ में अपग्रेड हो जाऊँ। अरे अरे ठीक है चल, तू यहाँ पे डबल पेमेंट लेकर आया, इसके लिए मैं तुझे मेरी जड़ी बूटी दे रहा हूँ, वरना तो मैं देता भी नहीं। अरे गाइस जी तुमने सुना क्या, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो है ना पैसे देके अपग्रेड हो रहे, तो चीटिंग है यार। वैसे मैं भी चीटिंग ही करने आया था, पर अब क्या करें। अरे वाह वाह मजा आ गई, यहाँ पे देखो सारी जड़ी बूटी है, इसको मैं खा लेता हूँ। अरे वाह वाह, ये देखो जड़ी बूटी तो काम भी कर गई, मैं तो एक पूरा फुल जायंट आइस वुल्फ बन चुका हूँ। अरे गाइस एक सेकंड, ये देखो यार कितनी आसानी से ये तो अपग्रेड हो गया एक आइस वुल्फ के अंदर। अरे वाह वाह मजा आ गई, थैंक यू बाबा जी यार, तीन डायमंड ही देने पड़े पर उसके बदले मैं एक आइस वुल्फ तो बन गया। अरे वाह मजा आ गया यार, इतना ज्यादा अपग्रेड तो कोई हो ही नहीं पाएगा 24 घंटे में। मेरी साइज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, पर काफी ज्यादा जायंट तो मैं हो गया हूं, एक आइस वुल्फ में कन्वर्ट हो गया। चलो मैं तो अब यहां पे पूरे दिन मजे मारूंगा, मेरे को तो और अपग्रेड होने की जरूरत ही नहीं है। अरे ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यार ये तो कुछ भी करके मुझे भी ये वाली दवाई लेनी पड़ेगी, जिससे मैं जल्दी से अपग्रेड हो जाऊं। अरे अंकल अंकल बात सुनो बात सुनो। अरे तू मेरा दूसरा कस्टमर है क्या जिससे मेरी बात हुई थी? पर तेरे को तो मैंने डायमंड लेकर आने के लिए बोला था, तो डायमंड लाया ही नहीं, पेमेंट का है मेरा, फ्री में नहीं दूंगा मैं। अरे हाँ हाँ, मैं वो कस्टमर तो नहीं हूँ, मैं दूसरा वुल्फ हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, दूसरे वुल्फ को भी दवाई दे देंगे? पर मेरे को तो पैसे से मतलब है, दुकान वाला हूँ मैं तो। तुझे पता है ना, मेरी जो ये स्पेशल रिसर्च करी हुई दवाई है वो इंसानों को वेयरवुल्फ बना देती है, और वेयरवुल्फ इनको खाते तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते। अरे हाँ हाँ मुझे पता है यार, पूरी बात पता है। अच्छा पूरी बात पता है तो यहाँ पे खड़ा क्यों है? जल्दी से पेमेंट निकाले और ये वाली दवाई खा ले, तो मस्त यार एक लंबा टॉल वेयरवुल्फ बन जाएगा। अंकल जी एक थोड़ा सा तकलीफ है। अरे क्या तकलीफ है यार? अरे मेरे पास पैसे तो नहीं है। क्या पैसे नहीं है? ये लड़के लोग बंदूक उठा लो इसके ऊपर। अरे बंदूक क्यों डाल रहे? अरे पैसा नहीं है तो यहाँ पे मेरा टाइम खोटी करने क्यों आया यार तू? फ्री में मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। अरे हाँ बॉस, फ्री में कुछ भी नहीं देंगे, पैसा निकाल वरना गोली से भून दूंगा। इतना भी स्ट्रांग वेयरवुल्फ नहीं है कि मेरी गोलियों से बच जाए। अरे हाँ मेरी गोलियों से भी नहीं बचेगा। अरे बॉस जी सुनो तो सर, मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो यार, तुम्हारे पास कुछ तो और सॉल्यूशन होगा, मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर दूंगा यार, कुछ तो तुम कर सकते हो ना। अरे नहीं नहीं, यहाँ से दफा हो जा, तुझे कुछ भी नहीं दूंगा मैं। अरे बॉस जी कर दो यार, ऐसे मत करो प्लीज। अरे बॉस अपने एक काम करवा सकते हैं इससे। अरे हाँ वो वाला काम करवा सकते ना जो अपने नहीं कर पा रहे। अरे कौन सा काम नहीं कर पा रहे अपने? अरे बॉस वो अपना जो कॉम्पिटिशन वाला है, जो अपने जैसी दवाई बेचता है अपने, उसका धंधा खराब करवा सकते है ना। अरे हाँ हाँ बॉस, उसका धंधा खराब करवा देते इससे। अरे हाँ हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। एक सेकंड मुझे तो बात बताओ यार, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आया यार, मुझे बताओ।
बताओ मैं करूँ क्या। अच्छा बेटा देख, तुझे है ना मेरी ये वाली पावर्स फ्री में चाहिए तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे जैसी एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने वाली दूसरी गैंग है। क्या आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचते हो? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था मेरे प्रोडक्ट का एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचते दूसरी गैंग वाले, और हम लोग उनपे काफी टाइम से अटैक कर रहे हैं पर हम उनको हरा नहीं पा रहे। अगर तू जाके उनके अड्डे पे जाके उनको हरा दे और उनका पूरा सामान वामान सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और उनका पूरा बिजनेस खराब कर दे, जिससे लोगों के पास हमारे पास आने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे, तो फिर यार मैं तुझे थोड़ी सी यार ये वाली दवाई फ्री में दे दूंगा जिससे तू अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मुझे तुम्हारी राइवल गैंग पे हमला करना पड़ेगा और उनका पूरा बिजनेस खराब करना पड़ेगा, अगर मैंने ये कर दिया तो तुम मुझे है ना अपग्रेड दे दोगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे यार पर तुम उसको नहीं हरा पा रहे, मैं कैसे हराऊंगा, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ भी नहीं हूँ। अरे ये रिस्क तो तुझे बाबा लेना ही पड़ेगा ना। अरे हाँ गाइस बात सही है, ये रिस्क तो मुझे लेना ही पड़ेगा। चलो यार ये देखो मेरे पास वेयरवुल्फ की पावर तो है ही, तो मुझे मेरी वेयरवुल्फ की पावर्स का इस्तेमाल करके इनके एनिमीज पे जाके अटैक करना पड़ेगा। हाँ मैं तुझे लोकेशन तेरे फोन पे भेज रहा हूँ, जल्दी से उनकी लोकेशन पे पहुंच के उनका पूरा ऑपरेशन बिजनेस खराब कर दे, फिर इधर आके मेरे से अपग्रेड ले लेना। हाँ हाँ ठीक है चलो गाइस समझ गया। यहाँ पे देखो तुम समझ गए ना गाइस क्या करना है, जो वेयरवुल्फ को अपग्रेड करने वाली दवाई बेचते हैं अंकल, इनके है ना जैसी दवाई एक दूसरी गैंग वाले भी बेचते जिनको है ना ये अंकल चाहते कि मैं तबाह कर दूं, जिससे है ना सारा लॉस सेंटोस का बिजनेस इनके पास ही आ जाए। तो यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ, जल्दी जैसे चलते हैं वो दूसरे गैंग वालों के एरिया में, वहाँ पे जाके देखते हैं मैं किस चीज से डील कर रहा हूँ। तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस तो देखो यार मुझे खबर मिल चुकी है यार वो दूसरे गैंग लीडर से कि ये जो गैंग लीडर जिसका मुझे बिजनेस खराब कर रहा है वो यहाँ पे कहीं पे बिजनेस कर रहा है। और बाबा रे देखो वहाँ पे सामने सिक्योरिटी वाले है ना इतने सारे दिख भी रहे, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो यार यहाँ पे गाइस मैं जाता हूँ इसका अड्डा देखता हूँ, अरे बाप रे देखो जो वो वाले लीडर के पास गए थे उसके पास यार सिर्फ दो ही सिक्योरिटी गार्ड थे, पर इसके पास तो देखो गाइस कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, 1 2 3 4 5 6 गार्ड तो यहाँ पे छत पे खड़े, यहाँ पे 3 गार्ड ये वाला एरिया रोक के खड़े, यहाँ पे इसके पीछे 2 इसके प्राइवेट सिक्योरिटी वाले गार्ड है, आजू बाजू भी 2 सिक्योरिटी गार्ड है। अरे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है, यहाँ पे अंदर देखो मैंने कितनी सारी मशीनें लगा रखी है, यहाँ पे सब जन मेरे पास चीजें लेने आते अपग्रेड होने के लिए, मैंने अलग अलग दवाइयां और जड़ी बूटियां रखी जिसका इस्तेमाल करके सब जन अपग्रेड हो जाते हैं, उसके अलावा मेरे पास ट्रेडमिल भी है हल्क की जिसका इस्तेमाल करके हल्क भी अपग्रेड हो जाते हैं। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर मुझे भी धंधे से बाहर निकालने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है पर उसके अटैक मेरे पे फेल हो जा रहे हैं, अभी मैं जल्दी से उस पर अटैक करके उसको फेल कर दूंगा। अरे अरे अरे, अरे गाइस तुमने सुना क्या इसने क्या बोला, वो जो अंकल जिससे है ना मैं काम करवाने वाला हूँ उसके ऊपर अटैक करके उसको फेल करने वाले, तुम्हें जल्दी से इसके सारे गुंडों को मारना पड़ेगा, इसको ही मारना पड़ेगा और इसके अंदर की जितनी भी सारी चीजें ना इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। वैसे गाइस इसके पास देखो टेबल कितनी सारी है और कितनी सारी टेबल पे कितनी सारी दवाई और इसके पास ट्रेडमिल भी है, अगर मैं थोड़ा सा ट्रेडमिल पे दौड़ लूंगा तो मेरी साइज भी बढ़ जाएगी। चलो यार गाइस ये सब तो छोड़ते यार, पर मैं कुछ प्लानिंग करना चालू करता हूं जिससे मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकूं। चलो यहाँ पे जल्दी से मैं जाता हूँ, मुझे खबर पड़ी है कि वो आर्टिक वुल्फ ने भी है ना यहाँ पे खुद को अपग्रेड पैसे देके करवाया है, इसके लिए मैं भी यहाँ पे खुद को पैसे देके अपग्रेड करवाने आ गया। अरे सर जी मैंने आपसे फोन पे बात करी थी ना मुझे यहाँ पे अपग्रेड होना। अरे हाँ हाँ लड़के फोन पे बात हुई थी, तो मेरा पेमेंट लाया क्या? अरे अरे हाँ अंकल जी लेकर आया हूँ, मुझे एकदम खतरनाक डेंजरस वुल्फ में अपग्रेड होना है, ये देखो आपके लिए कितने सारे डायमंड लेकर आया हूँ। गाइस देखो यार ये वाला वुल्फ तो कितने सारे डायमंड लेकर आया, यहाँ देखो ये कितना बड़ा डायमंड, एक छोटा डायमंड और उसके बाद 2 मीडियम साइज के डायमंड, यार इसको तो बहुत तगड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। अरे हाँ लड़का तूने बहुत अच्छा यार पैसा दिया है मुझे, मैं तुझे बहुत तगड़ा अपग्रेड दूंगा, जा यार अंदर जाके जो तेरा मन है वो वाला अपग्रेड ले ले। अरे वाह 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 बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस देखो यार ये तो अंदर जा रहा भी, देखते क्या करते हैं। हाँ कौन सी दवाई खाओ, कौन सा अपग्रेड लू, सोच रहा हूँ क्या करूं। चलो चलो एक काम करता हूं, मैं तो है ना यहां पे जाता हूं। अरे वाह ये ब्लू कलर की कैंडी बहुत अच्छी लग रही है, इसको खा लेता हूं जल्दी से। अरे ये देखो ये क्या, अरे मैं तो एक टाइटन वुल्फ गॉड में कन्वर्ट हो चुका हूं। अरे गाइस ये देखो यार इसकी दवाई तो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, इसकी साइज देखो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे वाह 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 मैं तो इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट भी बन जाऊंगा मैं। हा, 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 हा। ये देखो यार मेरी पावर, मैं तो मेरे मुंह से लेजर्स भी छोड़ पा रहा हूँ। अरे गाइस ये देखो यार इसके पास जो दवाई मिली इसको तो कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी यार, वो तो मुंह से लेजर्स छोड़ पा रहा है, इसकी साइज देखो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। अरे वाह वाह मजा आ गई, अब तो ये कॉम्पिटिशन मेरे को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ओ नो गाइस मुझे है ना इसको रोकना ही पड़ेगा, पर अब मैं इसको रोकूं कैसे यार, मैं अगर पहले ही इसको डिस्ट्रॉय कर देता ना तो यहाँ पे यार ये आता नहीं अपग्रेड
अपग्रेड होने के लिए। पर यार मैं अंकल का बिजनेस प्लान समझा तो थोड़ी देर में ये वाला वुल्फ आके अपग्रेड हो गया। अब मुझे सोचो कितने ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा इसको आने के लिए। चलो कोई बात नहीं गाइज, अब सोचने का टाइम गया, अटैक करने का टाइम आ चुका है। मुझे मेरे अंदर की सारी वुल्फ की पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी अंकल को हराने के लिए। ये देखो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये देखो मैंने मेरी वुल्फ की पावर एक्टिव कर ली है और यहाँ पे मैं जाऊंगा। यहाँ पे अंकल इधर आ। अरे ये क्या कर रहा है लड़का, लोग इस पे हमला करो, ये हमारा बिजनेस खराब करने आया है। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। अरे बॉस पर ये तो इतना खतरनाक वेयरवुल्फ है, देखो तो सही कैसी धुलाई लगा रहा है सबकी। अरे हाँ हाँ मैं सबकी धुलाई लगाऊंगा, ये ले तेरी भी धुलाई लगाई। अरे भागो भागो। अरे तुम लोग मुझे मारने की प्लानिंग करो, छोड़ूंगा नहीं, ये ले। अरे हमला तो करना ही पड़ेगा हमें ये वाले वुल्फ पे, हम इस पे हमला नहीं करेंगे तो ये हमको मार देगा और हमारा सारा प्रोडक्ट भी डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला। हाँ हाँ हमने देखो रीएनफोर्समेंट्स बुला ली है आसमान में। अरे ये क्या हो रहा है गाइस, ये देखो प्लेन लेकर आ गए, मुझे इन प्लेन वालों को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये देखो यार मैं यहाँ पे हाउस आसमान में आ गया, ये हेलीकॉप्टर को मार दिया। अरे बाबा जी इसने तो हमारा हेलीकॉप्टर भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कैसा वेयरवुल्फ है यार, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है ये। अरे हाँ हाँ मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेयरवुल्फ हूँ। कहाँ गया उनका दूसरा हेलीकॉप्टर, कहाँ गया ये ना देखो, इसकी भी मैं ऐसे करके मार देता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे गाइस वो वेयरवुल्फ के पास नहीं जाना मुझे, जल्दी से मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इनके सारे गैंग वालों को मारने लग जाता हूँ। ये देखो ये अकेला गैंग वाला बचा, इसको मैं ये मार दूंगा। अरे मैं तो यहाँ पे किराए की नौकरी करता हूँ भाई, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। चलो गाइस देखो यार यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ मैं, जल्दी जल्दी से यहाँ पे अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो इनका इतना जितना भी स्टॉक है ना इसको मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जल्दी से है ना मैं यहाँ पे फायर का इस्तेमाल करने लगता हूँ और इनको है ना तोड़ने लगता हूँ। पर गाइस एक बात है यार, मैं यहाँ पे सारी इतना अच्छा चीजें डिस्ट्रॉय करूँ उसके बदले एक चीज करता हूँ ना, यहाँ पे जो दवाई पड़ी है वो थोड़ी सी मैं खा के खुद को थोड़ा सा अपग्रेड कर लेता हूँ। फिर वो दूसरे बॉस के पास जाऊंगा, वो मेरे से खुश होकर मुझे और भी अपग्रेड दे देंगे, तो मैं दो दो बार एक ही काम से अपग्रेड हो जाऊंगा। अरे ये इनके और गुंडे आ गए, जल्दी से यार मेरे को कुछ खाना पड़ेगा। यार ये वाली ब्लू वाली दवाई खाऊं कि पता नहीं ये ग्रीन वाली दवाई खाता हूं। चलो चलो ये ग्रीन वाली दवाई खाता हूं जल्दी से खुद को अपग्रेड करने के लिए। नम 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 नम। अरे ये दवाई खा रहा, फ्री में मारो मारो इसको मारो। ओ गाइस ये देखो, अरे बाबा रे मैं तो एक फुल साइज के वुल्फ पे कन्वर्ट हो गया। अरे ये तो अपग्रेड हो गया यार एक फुल साइज के वुल्फ पे, ये हमको छोड़ेगा नहीं अब। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाइस ये देखो यार यहाँ पे ये लोग सिक्योरिटी वाले आए हैं इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। रुको गाइस मैं तुम्हें सबसे पहले मेरा अपग्रेड बता दूं और इन लोगों से लड़ने से पहले। अरे बाबा रे कितनी गैंग वाले आ गए। पर गाइस देखो मुझे कोई भी गैंग वाले से डर नहीं लग रहा, क्योंकि देखो मैं एक प्रॉपर वेयरवुल्फ बन चुका हूं। मेरे ऊपर देखो कितनी खतरनाक पावर्स आ चुकी है, इनको मैं भी बताता हूं मेरी पावर क्या। ये देखो एक ही बार में ये सारे लोगों की गाड़ी उड़ा दी मैंने, और ये देखो इनकी भी गाड़ियां उड़ा दी। अरे बाबा रे ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है यार, ये तो हमारे बॉस का सारा सामान डिस्ट्रॉय कर देगा। हां बिल्कुल सही बोला। ये देखो गाइस मैं एक फायर का टोर्नेडो बनाऊंगा और यहां पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। चलो और जो इससे डिस्ट्रॉय नहीं हुई ना मैं उसके ऊपर यहाँ पे मेरे मुंह से आग लगा देता हूँ। कितनी तगड़ी पावर है। अरे ये क्या हो रहा है, जो सर ने मुझे अपग्रेड किया तो उनका सामान जला रहा है। हाँ 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 ये देखो गाइस वो टेबल पे आग लगी है, जल्दी से मैं सब जगह आग लगा देता हूँ और इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। हाँ हाँ गाइस ये देखो मैंने सब चीजों को जला दिया। अरे अंकल यहाँ पे साइड में। अरे ये क्या हो गया यार, मैं तो इनसे एक और अपग्रेड खरीदने वाला था, तूने कैसे यार इनको मार दिया। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं किया मैंने गाइस, ये वेयरवुल्फ तो लगता है मेरे से गुस्सा हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने है ना मेरी गैंग वाले बॉस पर अटैक किया, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, इधर आ। अरे ये क्या कर रहा है। अरे बाबा रे गाइस ये देखो इतने बड़े वुल्फ ने मेरे पर अटैक कर दिया। अरे ये तो फ्रैंकलिन है। हाँ फ्रैंकलिन तूने खुद को दो बार अपग्रेड कर लिया है, पर देख फिर भी तू एक छोटी साइज का वुल्फ ही है, और यार ये वाला कॉम्पिटिशन तो मैं ही जीतूंगा। और वैसे भी मैं एक चीज करूंगा ना, मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगा, इससे तू कॉम्पिटिशन जीत ही नहीं पाएगा। अरे नहीं ऐसे मत करो गाइस, यार ये देखो ये तो मेरी कैसी पिटाई लगा रहा है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा वरना यार मैं बचूंगा नहीं। ये देखो इतना छोटा सा वुल्फ हूं मैं, नहीं बच के भाग पाएगा फ्रैंकलिन, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूं। अरे हाँ मारो मारो यार इसको मारो, ये बहुत ही ज्यादा खराब है, इसने हमारी सारा प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हम लोगों का अपग्रेड कैसे करेंगे। मुझे उससे फर्क तो नहीं पड़ता, मैं तो फ्रैंकलिन को सिर्फ इसके लिए मार रहा हूँ क्योंकि फ्रैंकलिन है ना मेरा कॉम्पिटिटर है। अरे गाइस ये देखो यार मुझे यहाँ से ना दूर भागना पड़ेगा, यार इसको ये मेरे को पीछे छोड़ ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे उड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे उड़ गया। हे फ्रैंकलिन इधर आ, वापस कहाँ भाग के जा रहा है। ओ गाइस ये देखो यार मैं हवा में से ना उड़ के इससे दूर चला गया। तो दूर तो चला गया, तुझे क्या लगता है तू मेरे से बच जाएगा। नहीं 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 कभी भी नहीं बचेगा, मैं तुझे ढूंढ के तुझे डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। अरे गाइस यार ये बहुत ज्यादा तकलीफ वाला काम है यार, ये तो मेरा पीछा करना चालू कर दिया। पर कोई बात नहीं, अच्छा है मैंने एक बार वो प्रोडक्ट खा के खुद को एक और बार अपग्रेड कर दिया था, इसके लिए मुझे नए वेयरवुल्फ की शक्ति मिल गई थी जिसके कारण मैं इससे बच के भाग गया। वैसे गाइस ये सूट तो बहुत ज्यादा तगड़ा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक प्रॉपर वेयरवुल्फ बन चुका हूं छोटी साइज का। पर तुमने देख लिया गाइस ये छोटी साइज के वेयरवुल्फ से कुछ होगा नहीं, मुझे एक बड़ी साइज का वेयरवुल्फ बनना पड़ेगा, तभी मैं यहां ना ये वाले वेयरवुल्फ से जीतूंगा जो इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया है। तो चलो यार जल्दी से मैं वो बॉस के पास चलता हूं जिसके लिए मैंने अपने मिशन
ज्वाइन किया तो जिससे वो मुझे एक और बार अपग्रेड कर दे जल्दी जल्दी से। तो चलो गाइस चलते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस जो भी यार इतनी माथा पच्ची कर रही है उसके बाद भी एटलीस्ट यार यहाँ पे पहुंच तो गए। हाँ यार यहाँ पे मेरे को अपग्रेड मिल जाएगा और यार मैं होपफुली जायंट हल्क वुल्फ में अपग्रेड हो जाओ। अरे अंकल जी यार बॉस देखो आपका काम कर दिया, आपको खबर तो मिली गई होगी अभी तक। अरे हाँ लड़के मेरे को खबर तो मिल चुकी है कि यार तूने वो गैंग का पूरा चिट्टा पिट्टा साफ कर दिया, बहुत अच्छा काम किया। अरे थैंक यू यार, लाओ चलो यार अब मुझे ना मेरा रिवॉर्ड दे दो पीछे से दवाई। अरे पर यार मैं देख रहा हूँ तूने वहाँ से है ना मेरे कॉम्पिटिटर से थोड़ी दवाई चुरा ली खुद के लिए और खुद को एक और बार अपग्रेड कर लिया। अरे हाँ अपग्रेड तो कर लिया यार, पर वहाँ पे मैंने तो उनका सामान चुराया ना उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले, उससे आपका क्या मतलब? अपने दोनों के बीच में डील हुई थी ना कि आप मुझे मैं उनको मार दूंगा तो मेरे को है ना आप अपग्रेड करने दोगे फ्री में। अरे हाँ डील तो हुई थी, पर यहाँ पे देखो पीछे तीन और वुल्फ आ गए हैं जिन्हें यार मेरी सामान लेके अपग्रेड होना है और अब मेरे पास अभी आज के लिए इतना ही सामान बचा है कि मैं तुम चारों में से किसी एक वुल्फ का अपग्रेड कर सको। अरे मुझे अपग्रेड होने दो, मैंने तुमको पैसे दिए हैं एडवांस में पूरे। अरे मुझे अपग्रेड होने दो, मैं कितना हैंडसम वुल्फ हूँ, मैं अपग्रेड होऊंगा तो इतना ज्यादा हैंडसम वुल्फ में अपग्रेड होगा तुम्हारी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। अगर मुझे अपग्रेड नहीं होने दिया तो सबको मार दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं तो चीटिंग यार, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने दोनों के बीच में डील हुई थी। अरे अब डील ऐसा हुई थी कि तू एक को एक बार अपग्रेड होने को मिलेगा मेरी वजह से और मैंने तेरे को वो मेरे एनिमी का एड्रेस दिया था और वहाँ से तू एक बार तो फ्री में अपग्रेड हो गया ना, इसके लिए कोई डील नहीं तोड़ी थी। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, गलत बात है यार, मुझे भी अपग्रेड होना है। गाइस ये देखो यहाँ पे तो चीटिंग हो रही है, यहाँ पे देखो यार मैं भी यहाँ पे जाके खड़ा रहूंगा, अभी देखते हैं ये कैसे डिसाइड करते कि हम चारों में से किसको अपग्रेड मिलेगा। अच्छा चलो मेरे पास एक आइडिया है, ऐसा आइडिया जिससे यार बहुत अच्छा काम हो जाएगा, सब जनों का मनोरंजन भी हो जाएगा और डिसाइड भी हो जाएगा कि तुम चारों में से कौन अपग्रेड होने वाला है। अरे क्या आइडिया क्या आइडिया है? चलो मैं तुम सब लोगों के बीच में एक चैलेंज करवाऊंगा और जो भी वो चैलेंज को जीतेगा उसको मैं मेरा अपग्रेड का पोर्शन दे दूंगा, उसको खा के तुम में चारों में से जो भी जीतेगा वो अपग्रेड हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैं एग्री करता हूँ यार, जीतूंगा तो मैं ही कोई अपग्रेड मिलेगा। नहीं 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 मुझे अपग्रेड मिलेगा, मैंने पैसे दिए। और मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ, मुझे ही मिलेगा। मैं सबसे ज्यादा खतरनाक और खूंखार हूँ, मुझे नहीं दिया तो सबको काट दूंगा। अरे वो तो पता चल जाएगा अभी किसको अपग्रेड मिलने वाला है। चलो कंपटीशन की तरफ चलते हैं, वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बच्चों आज देखो मेरे को बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी मिलने वाला है, मैंने सब लोगों से काम भी करवा लिया और भी यहाँ पे सब जनों से गेम भी खिलवा लूंगा, मेरे को बहुत मजा आएगा। तुम सारे वुल्व्स को फ्री में अपग्रेड होना है ना? अरे पर मैंने तो पैसे दिए है, मेरे को तो पैसे दे के अपग्रेड होना था। अरे पर अब पैसे दे के भी अपग्रेड नहीं। अगर अब तुम्हें अपग्रेड होना है तो तुम्हें ये वाला मेरा रैंप चैलेंज खेल के उसको जीतना पड़ेगा, तुम तभी अपग्रेड हो सकते हो। अरे पर हमें इसमें करना क्या है? अरे ये देखो गाइस हम लोगों को देखो सबसे पहले यहाँ पे ये छोटी छोटी एटीवीज लेनी पड़ेगी, सही बोला ना? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। और उसके बाद ये एटीवीज को हमें लेकर आगे जाना, और जैसा कि तुम देख सकते हो सब जनों के लिए अपने अपने यूनिक कलर की एटीवी है। देखो मैं एक रेड कलर का स्ट्रॉन्ग वुल्फ हूँ तो मेरे लिए रेड एटीवी है, ये काले कलर का इविल वुल्फ है इसके लिए ग्रे वाली एटीवी है, ये वैसे ब्लू कलर का वुल्फ है इसको ब्लू कलर की एटीवी क्यों नहीं मिली मुझे पता नहीं, पर ये हैंडसम वुल्फ को ये देखो यार ये सिल्वर कलर की हैंडसम एटीवी मिली है। तो देखो हमें यहाँ से एटीवी को लेके आगे जाना चालू करना है और यहाँ पे है ना ये वाले रास्ते को फटाफट से क्रॉस करना है और हमें हमारी एटीवी को ये वाले रास्ते तक लेकर आना है जहाँ तक ये मैक्सिमम जाएगी। अरे हाँ बिल्कुल सही बोला, इसके बाद का रास्ता तुम्हें पैदल तय करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा गाइस देखो फिर उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी एटीवी को पार्क करके यहाँ पे पैदल आगे जाना है और धीमे 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 पैदल आगे जाके ये वाली टनल में से निकलना है। हाँ ये टनल में से निकलना काफी मुश्किल होने वाला है। अरे हाँ मुश्किल तो होगा, उसके बाद देखो यार ये छोटे से है ना स्लाइड चढ़ना है और उसके बाद हमें ये वाले बैलेंस बीम पे खुद को बैलेंस करना है और ये बैलेंस बीम पे बैलेंस करते करते देखो सबसे पहला चैलेंज आएगा, ये जो ब्लू कलर का बॉल देख रहे हो कैसे वो बैलेंस बीम के ऊपर से जा रहा है, तो अगर अपने बैलेंस बीम के ऊपर से क्रॉस कर रहे होंगे और तभी ये ब्लू कलर का बॉल यहाँ पे आ जाएगा तो ये अपने को ठोक के नीचे पानी में गिरा देगा और अगर तुम पानी में गिर गए तो तुम्हें अपग्रेड भी नहीं मिलेगा और शार्क भी तुम्हें खा जाएगी, शार्क को वुल्फ को खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बॉल से नीचे ही नहीं गिरेंगे हम। फिर उसके बाद देखो गाइस अपने को हमको आगे जाना है और ये छोटे छोटे टुकड़ों पे ऐसे है ना आगे जाते जाना है। अब ये देखो और ये जो रैंप है ये कंटिन्यूस नहीं, थोड़े टूटे हुए पीसेस में बना हुआ है, इसके लिए यार यहाँ पे जाने में तकलीफ हो सकती है। उसके बाद यहाँ से जंप करके हमें लकड़ी के टुकड़ों पे जाना है ये वाले दो विंडमिल को क्रॉस करके, अगर हमने इनफ टाइमिंग लगा के जंप ऊंचा नहीं किया ना तो विंडमिल हमें काट के नीचे पानी में फेंक देगी। ठीक है चलो समझ गया। अब उसके बाद तुम्हें आगे जाना है। हाँ हाँ देखो फिर ये रेड कलर के स्टॉप साइन से बच के अपने को असली चैलेंज की तरफ आना पड़ेगा। ये देखो फाइनल पड़ाव आ गया जो काफी ज्यादा मुश्किल होगा, यहाँ से देखो हमें ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है और फिर जंप करते करते यहाँ पे
नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे नीचे करके जाने वाला पार्ट तो काफी इजी है, पर उसके बाद यहाँ पे है ना ये सारी पुल फ्लोटीज के ऊपर से जंप करके अपने को ये नेक्स्ट पार्ट में पहुंचना है। यहाँ पे देखो बहुत सारे बॉल्स है जो गोल गोल घूम रहे हैं और हम इनके ऊपर से दौड़ेंगे ना तभी गोल गोल घूमेंगे, तो हमने अगर खुद को बैलेंस नहीं किया तो पानी में चले जाएंगे और फिर से शार्क्स खाने का रिस्क होगा। उसके बाद देखो एक और लकड़ी के टुकड़े से जंप करके हमें सारे लकड़ी के बॉक्सेस को गिराना है और एक और जंप करके यहाँ पे ऊपर की तरफ आना है। फिर यहाँ पे देखो वापस से बहुत सारे जंप 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 करने पड़ेंगे और उसके बाद फाइनली यार देखो हमें जंप करके यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। अगर हम लोग देखो यहाँ पे गलती से जंप करके चले गए तो ये बड़ी वाली शार्क हमें खा जाएगी, और ये वाली पायरेट की शिप पे चले गए तो पायरेट हमें बेच देंगे, पर अगर बीच में आ गए तो हम यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। सही बोला ना? अरे हाँ बिल्कुल सही बोला। गाइस यार ये देखो रैंप चैलेंज तो बहुत ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग होने वाला है खेलने के लिए। अब तुम्हें क्या लगता है हम चारों में से कौन जीतेगा ये वाले रैंप चैलेंज को? अरे मैं ही जीतूंगा, मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूं ना। नहीं मैंने पैसे दिए हैं, मैं सबसे खूंखार हूं और मैंने सबसे ज्यादा मेहनत करी और मुझे अपग्रेड होना है। देखो गाइस अब वो एक जन तो बहुत ज्यादा बड़े जायंट वुल्फ में अपग्रेड हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि ये भी अपग्रेड हो जाए जिससे है ना मेरे कॉम्पिटिशन में बहुत प्रॉब्लम है। अरे वो तो कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखते हैं, तो आओ चलो कॉम्पिटिशन को शुरू करते हैं। अरे सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगा बिकॉज आई एम सो ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल लोगों को जिंदगी में पहले जाना डिजर्व करते हैं। ये देखो मैं तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ ये गंदी एटीवी पे बैठूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इस पे बैठा तो मेरा फर खराब हो जाएगा और मैं काला पड़ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं काला पड़ूं, इसके लिए मैं ये एटीवी पहनकर नीचे टिक के नहीं बैठूंगा सिर्फ अड़ के बैठूंगा। गाइस यार ये देखो ये वाला जो वुल्फ है इसको ये व्हाइट और ग्रे कलर का होने का कितना ज्यादा घमंड है यार, इतना भी ज्यादा अपने लुक्स का घमंड नहीं करना चाहिए। चलो देखते हैं अभी इसके लुक्स का घमंड इसको कितना आगे तक लेके जाता है। अरे फ्रैंकलिन बहुत आगे तक लेके जाएगा, आई एम वेरी स्मार्ट एंड वेरी फैंटास्टिक। चलो यार जल्दी जल्दी से आगे जाते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे आगे तो एकदम सही से जा रहा है, अभी देखते हैं फर्स्ट टनल में पहुंच पाता है कि नहीं। ये देखो ये क्या हुआ? अरे मैं तो यहाँ पे गिर गया। अरे मेरा नाखून तो नहीं टूट गया ना पैर का, माय ब्यूटीफुल नाखून। आज चलो नहीं नाखून नहीं टूटा। गाइस यार इसको तो एक नाखून टूटने से ना इतना ज्यादा डर लग रहा है, अगर इसको वेयरवुल्फ की पावर मिल गई फिर इसको कभी लड़ाई करनी पड़ी वैम्पायर या किसी से फिर ये क्या करेगा? अरे नो नो आई विल नेवर फाइट विद वैम्पायर, मैं वैम्पायर से लड़ाई क्यों करूंगा। अरे बाबा रे ये बॉल तो मेरा कितने से पास से गया। गाइस यार ये तो एकदम मेरा पापा का परा लग रहा है भाई, एकदम लड़कियों जैसी बातें कर रहा है, लड़ाई नहीं करेगा तो वेयरवुल्फ बनने का फायदा क्या? अरे मैं तो वेयरवुल्फ बनना चाहता हूं जिससे मैं सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाऊं। अरे ब्यूटीफुल बनने के लिए वेयरवुल्फ कौन बनता है? अरे मैं बनूंगा ना, ब्यूटीफुल बनूंगा सबसे ज्यादा, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट, आई विल लुक लाइक अ वाओ। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे हो जाएगा हो जाएगा। अरे नहीं 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 ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड जंप मिस कर दिया, शार्क्स आ गए मुझे खा रहे। वुल्फ मिल गया खाने को, खा लो नम 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 नम। अरे मैंने बहुत सहन कर लिया यार, मैंने पैसे दिए ऐसे देके भी अपग्रेड नहीं होने दे रहे और मेरी ब्लू कलर की एटीवी भी नहीं लगे दी। चलो कोई बात नहीं यार, ये हरी कलर की एटीवी पे चला जाता हूं। अरे गाइस ये वाले अंकल के लिए मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है यार, ये बोल रहे इन्होंने पैसे दिए, अब बेचारे को पैसे देके भी अपग्रेड होने नहीं मिल रहा। गाइस ये तो बुरी किस्मत ही कहलाएगी ना, अब और तो मैं क्या ही बोल सकता हूं। अरे हां वही बोल रहा हूं यार, पैसे दे दिए उसके बाद भी मुझे कोई अपग्रेड नहीं होने दे रहा, बता फ्रैंकलिन अब इसे मैं क्या करूं? अरे मुझे नहीं पता, और मैं फ्रैंकलिन नहीं हूं भाई, अब मैं खतरनाक वेयरवुल्फ हूं, तुम ऐसा बोलो कि वेयरवुल्फ भैया क्या करूं? अरे वही यार कुछ भी कर यार, चलो चलो जल्दी से जाता हूं आगे। वी वो अरे बाबा रे मेरा भी पैर फिसल गया। अरे गाइस ये देखो ये वेयरवुल्फ ने तो कैसे यार यहां पे ना चप्पल और जूते कुछ भी नहीं पहन रखे, और यार ये भी कैसे देखो यहां पे फिसल के गए, अभी देखते क्या करते। अरे अब यहां पे राइट वाला रास्ता लूं या लेफ्ट वाला रास्ता लेता हूं? एक काम करता हूं राइट वाला रास्ता लेता हूं, राइट वाला रास्ता ज्यादा अच्छा होगा। रुको ये बॉल को यहां पे आगे जाने देता हूं। हां बॉल आगे चला गया। अरे बाबा रे मेरा तो पैर स्लिप होते होते बचा, कोई बात नहीं ओ यहां पे आ गया। अरे बाबा रे ये बॉल मेरे कितना पास से गया, अगर थोड़ा सा और लेट हो जाता ना तो ये बॉल मुझे नीचे उड़ा देता। गाइस यार ये बॉल तो सबसे ज्यादा डेंजरस ऑब्स्टिकल है यार, इससे तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी देखो यार ये अंकल यहां पे जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, किसको घुसे बजा रहे हो? अरे मैं थोड़ी लड़ाई की प्रैक्टिस करता रहता हूं। ये क्या हो गया, ये विंड मिल ने मुझे जोर से सर पे मार दिया। अरे मेरा पूरा अरे बाबा रे खोपड़ी पे लग गई मुझे। अरे गाइस ये देखो ये अंकल को तो खोपड़ी पे लग गई ये विंड मिल से, ये देखो ये तो कैसे दारूड़ी की तरह चल रहे। अरे मेरे को सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा अच्छे से, पर कोई बात नहीं मैंने पैसे दिए, मैं कुछ भी करके अपग्रेड होऊंगा। अरे अंकल पर ऐसी हालत में कैसे जाओगे, आपको सर पे चोट लग गई, डॉक्टर के पास जाओ। अरे नहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अपग्रेड हो गया तो मेरी सारी चोटें अपने आप ठीक हो जाएगी। चलो 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 जाना पार है, चल रे माँ जी। अरे नहीं नहीं अंकल क्या बोल रहे हो यार, तुम गिरोगे फिर और लगेगी। अरे कुछ नहीं होगा ये देखा गया। अरे बाबा रे सर के बल गिर गया मैं तो, चलो चलो कोई बात नहीं। अरे मानना तो पड़ेगा ये अंकल को यार, काफी जज्बा इतनी जो
जोर से विंडमिल ने इनको सर पे मारा, उसके बाद भी ये देखो हार नहीं मारे। अरे बाप रे, पानी में गिर गया मैं तो। अरे चलो ये अंकल फाइनली आउट हो गए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी आउट नहीं हुआ। ये देखो मैं यहाँ पे पानी में से तैर के ऊपर चढ़ सकता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, ऊपर नहीं चढ़ सकते, एक बार पानी में गिर गए तो आउट हो जाते। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, देखो आगे जा रहा हूँ मैं तो, कितना मजा आएगा। चलो फुल स्पीड अहेड, यहाँ पे मैं जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। ये देखो ये जंप लगाया मैंने। अरे ये क्या भाई, जंप भी नहीं लगाया जा रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं अपग्रेड तो हो नहीं पाऊंगा, वैसे भी आर्क्स मुझे खा लो। आई एम डेथ, मेरा नाम है डेथ वुल्फ, मैं पूरा काला हूँ क्योंकि मैं एक डेथ से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे जितना स्ट्रांग और खतरनाक कोई भी नहीं है। मैं तेको बताता हूँ फ्रैंकलिन, ये असली पावर किसको बोलते हैं। अरे पर मैंने तो बोला ही नहीं मैं पावरफुल हूँ, मुझे तो सिर्फ स्ट्रांग बनना जिससे मैं वो कॉम्पिटिशन जीत पाऊँ फुल मून वाला। हाँ नहीं 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 फ्रैंकलिन, मैं तुझे बताता हूँ स्ट्रांग बॉयज कैसे बनते हैं। ये देखो ये अंकल यहाँ पे बीच में आ गए ना, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या अंकल, क्या हुआ, यहाँ पे फंस गए हो क्या? ये देखो ये अंकल का मैंने भरता बना दिया यहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो यार बेचारे अंकल को, यार इसे तो पूरा भरता बना दिया। वैसे यार ये कोई आग की पावर नहीं थोड़ी है, मेरे पास भी पावर है। अरे पर ये आग की पावर तेरे पास इसके लिए क्योंकि तू रेड कलर का वुल्फ है, मैं तो एक ब्लैक कलर का वुल्फ हूँ। मेरे पास आग की पावर नहीं होनी चाहिए, मेरे पास आग की पावर है क्योंकि मैं इतना ज्यादा खतरनाक हूँ। अरे हाँ गाइस, बात तो सही बोली यार, मैं तो एक रेड कलर का वुल्फ हूँ, इसके लिए मेरे पास फायर की पावर है, पर ये तो एक डेथ वुल्फ है, मतलब ब्लैक कलर का वुल्फ है, इनके पास थोड़ी इतनी पावर होनी चाहिए फायर वाली। मेरे पास फायर की पावर है क्योंकि मैं सबसे ज्यादा डेंजरस हूँ। ये देख, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे है ना मुझे उसने उड़ा दिया, पर कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरी टेलीपोर्ट की पावर इस्तेमाल करके यहाँ पे आ गया। टिक कर ली मैंने तो। अरे नहीं 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 गाइस, तुमने देखा था यहाँ पे क्या हुआ, ये अंकल को है ना वहाँ पे वो बॉल ने उड़ा दिया था। अरे कोई किसी ने मुझे कुछ नहीं उड़ाया था, आई एम डेथ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। चलो यहाँ से जंप मार के आगे चलता हूँ। अरे बाबा रे यार, ये विंडमिल ने मुझे थोड़ा सा काट दिया। अरे गाइस ये देखो, ये रफ डेथ की तो थोड़ी हालत खराब हो रही है, पहले यार उसको है ना उसने मारा, वो बॉल ने मारा, फिर अंकल ने टेलीपोर्ट की पावर इस्तेमाल कर ली, उसके बाद ये विंडमिल ने भी मार दिया थोड़ा सा। डेथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक वुल्फ हूँ। चलो आगे चलता हूँ, यहाँ से आगे तक अभी तक कोई भी नहीं पहुँच पाया, पर मैं पहुँचूंगा, पता है क्यों? अरे क्योंकि तुम डेथ हो। हाँ बिल्कुल सही बोला फ्रैंकलिन, मैं डेथ हूँ, इसके लिए मैं इससे आगे पहुँचूंगा। ये देखो यहाँ पे सारे पुल फ्लोटीज को मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये देखो मेरा खतरनाक ईविल मैजिक। अरे बच गया, मैं यहाँ पे नीचे गिरने वाला था। अरे गिर जाते ना नीचे यार, इतनी बकवास कर रहे। नहीं 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 नहीं, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बताता हूँ सत्य। अरे सत्य नहीं असत्य बोलते, ये देखो गाइस यार ये आगे जा रहा है। अरे ये क्या कर रहा है, उसको लकड़ी के टुकड़ों को गिराना है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं गिराऊंगा, मेरे को गिराने से कोई शौक नहीं है। चलो 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 चलते हैं जल्दी से। मैं तो वेट नहीं कर सकता अपग्रेड होने के लिए, देखो कितना जल्द जल्दी मैं जंप कर रहा हूँ। अरे पर जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे पर मैं भी तो एक शैतान ही हूँ। ओह नो, ये क्या हो गया, लास्ट मोमेंट पर आके मैं आउट हो गया। अरे खाओ खाओ, वुल्फ आया है इसको खाओ। अरे गाइस ये देखो, ये तो डायरेक्ट शार्क्स के बीच में गिर गया। नो नो नो, ये शार्क्स तो मुझे खा रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। गाइस चलो यार, मेरा टाइम आ गया है, फाइनली मैं मेरी रेड कलर की साइकिल पे जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन, वैसे भी तू तो मेरा फेवरेट कंटेस्टर था, जल्दी से जा और जीत के दिखा। अरे फेवरेट कंटेंडर था तो मेरे को पहले ही जीत देते थे ना यार, ऐसे क्यों मेरे से इतनी मेहनत करवाई। अरे फ्रैंकलिन ऐसा नहीं कर सकता ना, अगर मैं तुझे डायरेक्ट विनर डिक्लेयर कर दूंगा तो सब जन बोलेंगे कि फ्रैंकलिन को उसकी पावर फ्री में मिली और उसने उसके लिए मेहनत नहीं करी है। अरे हाँ गाइस, बात तो सही है, पर गाइस देखो मैं बहुत देर से एक चीज दिखा रहा हूँ तुम्हें, बताओ क्या? ये देखो जो ये वाला है ना किंग का सिंबल है ना यहाँ पे, ये वो वाला एनिमी वुल्फ है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फ्रैंकलिन मुझे पता है तू कहाँ पे है, तू पावर लेके अपग्रेड होने की कोशिश कर रहा है ना, मैं हारा हूँ तुझे मारने। अरे नहीं नहीं, मता मता भाई, अभी मैं अपग्रेड नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे कंपटीशन से पहले ही मार दूंगा, जिससे यार तुझे कोई भी रोक ना पाए और तुझे देख ना पाए दद्दू। अरे नहीं ऐसे नहीं करना यार मुझे। ये देखो गाइस, ये ब्लू कलर का बॉल उस तरफ जाएगा ना। आशा आशा, ये देखो वहां पे चला गया, जल्दी से आगे चला जाता हूं। अरे ये इधर आ रहा है क्या? ओ बाप रे, अरे बाप रे, अरे गाइस गाइस गाइस, नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं गिर सकता मैं। ओ ओ ओ ओ, बच गया बच गया बच गया। गाइस ये देखो बॉल क्या है ना, मैं डर से कितना ज्यादा नीचे गिर रहा था। हाँ फ्रैंकलिन, तुझे अभी पावर नहीं मिलती तो तेरे तू अभी बच जाता, अगर तुझे पावर मिल गई और तू एक जायंट वुल्फ बन गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये कहाँ पे फेंक दिया मुझे यार ये विंडमिल ने। अरे बाप रे, बच गया गाइस, यार ये चैलेंज तो काफी मुश्किल है यार, ये बॉल और विंडमिल से बचना तो काफी मुश्किल है। फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं 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 गाइस, इसकी लाफ तो देखो कितनी ज्यादा इविल है यार, मैं ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकता इसी सब चीजों को। अरे बाबा,
अरे ओ, देखो गाइस रोली पोली करके कर गया। अरे ये देखो ये हैंडसम वुल्फ यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है। वहाँ पे देखो कौन है, अरे वो ब्लू कलर के अंकल जिनके सर पे लग गई थी। ये देखो और ये सब लोग यहाँ पे पानी में फंसे हुए पड़े क्योंकि ये ना शार्क से इनको नीचे से खा रही है, दम 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 कर रही है। और यार ये लोग अपग्रेड भी नहीं सकते, पानी से बाहर भी नहीं जा सकते। ये देखो यार यहाँ पे जो सारी दीवार है मैं इसको तोड़ दूंगा। ये देखो क्या रिवर्स किक मारी है। और यहाँ पे देखो चलो धक्का मार के इसको कर देता हूँ, अब यहाँ पे फुल स्पीड आगे जाऊंगा। अरे ये दीवार टूट नहीं रही, मुझे सीमेंट की बनी है क्या, कुछ नहीं होगा। ये देखो इसको भी मारा, इसको भी मारा। अरे फ्रैंकलिन यू आर डूइंग वेरी वेल, चलो जल्दी से जाओ जाओ जाओ। हाँ जा रहा हूँ। ये देखो गाइस यार यहाँ पे थोड़ी सी और किक मारी और ये आखिरी दीवार है जिसको मुझे तोड़ना है। जल्दी से मैं इसको तोड़ देता हूँ। ये देखो एक बॉक्स को मैंने गिरा दिया, दूसरे बॉक्स को गिराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो और ये मैं मेरी किक के लिए तैयार हो रहा हूँ। ये देखो अरे बाबा रे ये आखिरी दीवार तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टूटी नहीं, टूट जाएगी। ये देखो टूट गई, मेरे को है ना जगह मिल गई बीच में जाने के लिए। चलो गाइस आगे चलते, ये दीवार तोड़ दी और ये जंप लगाया मैंने। फ्रैंकलिन आई एम कमिंग फॉर यू। अरे नहीं गाइस देखो यहाँ पे मैं जैसे ही अपग्रेड हो जाऊँ ना वैसे ही मुझे सीधा है ना टाइटन गॉड और टाइटन वुल्फ हल्क्स की तरफ भागना है, जिससे है ना उनके सामने मुझे ये मारना पाए। नहीं, उन तक मैं तुझे नहीं पहुंचे दूंगा फ्रैंकलिन, उससे पहले ही मैं तुझे पकड़ के मार दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। ये देखो जल्दी से यहाँ से जंप लगाना पड़ेगा। ओ थोड़ा सा रिस्क मैंने लिया है पर यहाँ पे देखो मैं जल्दी से पहुंच चुका हूँ। हाँ गाइस ये देखो मैं एक जायंट वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया, वो भी कैसा मस्त ऑल फादर के कलर्स वाला। मतलब मेरा जो फर है वो कितना रंगीन हो गया, रेनबो कलर की पावर वाला हो गया और मैं एक रेड कलर का जायंट वुल्फ भी हो गया। चलो गाइस अब मुझे जल्दी से कुछ नहीं करना, मुझे बस वो कंपटीशन की जगह पे पहुंचना है। वो वाली कंपटीशन की जगह देखो यहाँ पर है, मैं जल्दी से अगर यहाँ पे पहुंच गया ना तो फिर ये वुल्फ मेरा पीछे से मुझे मारेगा नहीं। अरे फ्रैंकलिन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिशन। नहीं, फ्रैंकलिन को मैं वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा कभी भी। हा, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा। हाँ चलो गाइस वो तो देखते ना कॉम्पिटिशन कौन जीतेगा। वैसे गाइस देखो मैंने अभी तक तुम्हें बोला नहीं पर तुमने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में वुल्फ लिख देना और वुल्फ की इमोजी डाल देना, क्योंकि अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे कमेंट सेक्शन में वुल्फ की इमोजी नहीं डालोगे ना तो चलेगा नहीं यार, मैं हार जाऊंगा। तो चलो गाइस जल्दी से इतना काम कर देना मेरा, चलता हूं मैं तो जल्दी से कॉम्पिटिशन की तरफ। ये देखो गाइस मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे टाइटन गॉड तो मुझे दिख रहे, जल्दी से बस उनके सामने मुझे जाना है जिससे वो मेरे पर अटैक ना कर सके। फ्रैंकलिन ये देख मैं तुझे रास्ते में रोक लूंगा। अरे नहीं, अरे गाइस ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी है यार, अरे मुझे थोड़ा सा इससे दूर भागना पड़ेगा। कहाँ भाग रहा है फ्रैंकलिन, भागने से कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कभी भी कॉम्पिटिशन में नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि तू पहले इंसान था अब उससे एक जायंट वेयरवुल्फ अपग्रेड हो गया। अगर तू कॉम्पिटिशन की तरफ पहुंच गया तो तू ही जीतेगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अरे गाइस देखो इसको भी पता है कि कॉम्पिटिशन मैं ही जीतूंगा, एक इंसान से जायंट वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो गया। और ये लोग तो सब जन पहले से वेयरवुल्फ थे और उसके बाद ये सिर्फ एक जायंट हुआ वो भी पैसे दे के, सब लोग को ये बात पता है यार, ऐसे नहीं करने दे सकता मैं इसको। ये ले और ये ले, तेरी ऐसी तैसी छोड़ूंगा नहीं, तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूँ। हाँ कमजोर तो तू है, भले ही तू एक जायंट वेयरवुल्फ बन गया पर अभी तेरी शक्तियाँ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये तो मैं देख सकता हूँ। अरे नहीं, रुको गाइस यार मुझे इसको है ना सबक सिखाना पड़ेगा। ये देखो यार ये ले मेरी लेजर का अटैक का। हाँ तेरे पास भी लेजर का अटैक है गाइस, ये देखो ये मुंह से लेजर मार रहा है पर इसको पता नहीं है मेरी जो शील्ड है वो लेजर प्रूफ है। हाँ ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को कैसे लेजर का अटैक लग रहा है। अरे लेजर का अटैक लगेगा, अरे बाबा रे गाइस बहुत जोर से इसने मुझे अपर कट मारी, तुमने देखा क्या, मैं ऐसा सहन नहीं करूंगा, इधर तेजी तैसी। अरे ये क्या कर रहा है, अरे गाइस अरे बाबा रे मेरी तो बेइज्जती कर दी इसने, पर कोई बात नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। ये ले चपाटा खा और ये देख पैर पे भी खा और यहाँ पे भी खा और यहाँ पे भी खा। बहुत ज्यादा हो रहा है फ्रैंकलिन तेरा। अरे नहीं ज्यादा नहीं हो रहा, मैं तो अभी बहुत कम कर रहा हूँ। अरे बाबा रे उठा के फेंक दिया इसने मुझे, रुको ये ले फ्रैंकलिन छोड़ूंगा नहीं तुझे, इधर आ। अरे इधर नहीं आऊंगा मैं, ये ले लेजर खा। अरे ये ले इसके सीधा मुंह पे लेजर मार रहा हूँ मैं। नहीं लेजर लग रही है मेरी आंखों में, हट जा। अरे वहां पे क्या हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, हम तो बस खेल रहे दोनों। अरे ये क्या तुझे खेलना है, ये ले मैं तेरे साथ खेलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन ये क्या किया तूने। अरे यार मैंने बोला था मेरे साथ बवाल मत करना, मैं बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ। ये देखो गाइस यार मैं इसको पूरा लेजर मार के पूरा फिनिश कर दूंगा। अरे फ्रैंकलिन तो ये वाले वुल्फ अटैक क्यों कर रहा है, टाइटन गॉड बोल रहा हूँ मैं। अरे टाइटन गॉड यार ऐसी बात सुनो यार, वो वाला जो वुल्फ था ना वो मेरे से जल रहा था, इसके लिए उसने मुझे पहले भी एक बार है ना अटैक करके मुझे मारने की कोशिश करी, वापस से मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसी बात है क्या, इधर आ जा जल्दी से, हम तुझे बचाएंगे।
अरे हाँ हाँ, थैंक यू गाइस, ये देखो मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ कंपटीशन के एरिया में। ए कीड़े, तू तो काफी ज्यादा अपग्रेड हो गया, तू तो एक टाइटन वुल्फ गॉड में अपग्रेड होकर आ गया। हाँ हाँ, ये देखो गाइस, मैं तो एक टाइटन वुल्फ गॉड में अपग्रेड हो गया, और देखो मेरे अलावा तो कोई भी वुल्फ यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आया भी नहीं है, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली विजेता मैं ही डिक्लेयर हो गया हूँ ना। हाँ फ्रैंकलिन, ऑटोमेटिकली विजेता तू ही डिक्लेयर हो चुका है, कांग्रेचुलेशन। अरे हाँ कीड़े, तू विनर डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि तूने खुद को सबसे ज्यादा अपग्रेड किया और तेरे अलावा यहाँ पे कोई आया भी नहीं। ये देख, तुझे टाइटन गॉड्स की ब्लेसिंग मिलती है, तुझे वुल्फ गॉड की ब्लेसिंग मिलती है, और तुझे यहाँ पे इतना सारा सोना मिलेगा जो रिवॉर्ड में पड़ा है, और यहाँ पे तुझे इतनी सारी लिमोजिन भी मिलेगी गोल्ड की। अरे गाइस यार, मुझे ये सब चीजों से तब लेना देना ही नहीं है, मैं तो जब से वेयरवुल्फ बना हूँ मुझे तो सिर्फ यार ये वेयरवुल्फ बन के बहुत ज्यादा मजा आता है। तो गाइस देखो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में वुल्फ लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा तुम्हें GT5 के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो, जो स्क्रीन में से दो एक वीडियो आ रही है, देख लेना, बहुत अच्छे है। तो चलो मैं बाद में मिलूंगा।